हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं गट्टे की सब्जी। तो फ्रेंड्स, सारी सामग्री मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हम एक कटोरी बेसन, उसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से अच्छे से क्रश कर कर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच तेल, दो से तीन चम्मच डाल सकते हैं। एक चौथाई चम्मच नमक, नमक का हमें यहाँ थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। अब हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी सामग्री हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक अच्छा सॉफ्ट सा डो बनाना है। और याद रखें कि इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें। इस तरह से हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे और अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तो बना देंगे। लोइयों से हम इस तरह से रोल बना लेंगे। मैंने सारे रोल्स बनाकर रख लिए हैं। अब एक साइड हमने पानी उबलने रख दिया था पहले से ही, पानी हमारा उबल चुका है। इसमें एक एक कर कर सारे रोल्स डाल देंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे। याद रखिए कि यहाँ पर पानी अच्छे से उबल जाना चाहिए। अगर पानी हमारा ठंडा होगा तो हमारे गट्टे अच्छे से उबल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। यहाँ हमारे गट्टे उबलते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर देंगे। तो गैस पर एक पैन रखेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, आधा चम्मच जीरा, एक कटोरी मोटे कटे हुए प्याज, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। इस तरह चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भून लेना है। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल देना है और फिर इसे आधा मिनट के लिए भून लेना है। प्याज हमारे भून गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब गट्टे हम चेक कर देंगे। गट्टे हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, ऊपर बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब गट्टे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। अब गट्टों को हमें प्लेट में निकाल लेना है। गैस को करेंगे बंद और गट्टों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सारे गट्टे हमें निकाल लेना है। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे और इस पानी को हम ग्रेवी के लिए यूज कर देंगे। अब हम प्याज का मसाला बनाकर तैयार कर देंगे।
तो इस तरह से मैंने मसाला तैयार कर दिया है और साथ ही में दो टमाटर को भी पीस कर पेस्ट बना कर रख लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज के साथ में चार लाल मिर्च को भी तल के पीस लिया था, आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो। तो अब गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई और उसमें हम बचा हुआ तेल 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम गट्टों को पतले पतले पीसेस में काट कर तैयार कर देंगे। यहाँ मैंने सारे गट्टों को काट कर तैयार कर लिया है। अब तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और प्याज का मसाला। चम्मच से हिलाते हुए इसे धीमी आंच पर तल देंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम कम ही रखना है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। मैं इसमें टमाटर का यूज़ करूँगी, आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हो। इस तरह से हमें घुमाते हुए मसाले को अच्छी तरह तल लेना है। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। अब हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने पीस कर रखी थी, इसे अच्छे से घुमाते हुए चला देंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। इस तरह इसे चम्मच से घुमाते हुए तल लेंगे। अब इसे हम तब तक तलेंगे जब तक ये इस तरह से ऑयल ना छोड़ दे। अब इसमें हम गट्टों को डाल देंगे और चम्मच से घुमाते हुए चला लेंगे। इसे थोड़ी देर घुमाते हुए भून लेंगे। इस तरह से अब हम इसमें पानी डालेंगे जो हमने गट्टे का बचा हुआ रखा था उबला हुआ। यहाँ पर आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने उतना ही डाला है। अगर आपको और पानी डालना है तो उसे गरम करके डालें। बॉईल आ गया है, अब हम नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच नमक डाला है। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि गट्टे में भी हम नमक डाल चुके हैं, सब्जी हमारी बॉईल होने लगी है। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। 1/4 चम्मच हम यहाँ गरम मसाला ऐड करेंगे। इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट गट्टे और परफेक्ट ग्रेवी वाली गट्टे की सब्जी। इस तरह से हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में।